फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे भारत का संविधान विश्व में सबसे लंबा व लिखित संविधान है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारत में संविधान सभा की रचना के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने सन 1924 में प्रस्तुत किया था। और साथ ही आपको ये जानना भी जरूरी है कि कैबिनेट मिशन योजना, जो कि वर्ष 1946 में आई, जिसके द्वारा भारत के संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। और आपको बता दें कि कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसी बैठक में जो उस संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का। और ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का, ठीक है। और इसी के 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में पास हो गया। और बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या हुआ, हमारे संविधान का प्रथम अध्याय यानी कि प्रस्तावना बना। तो दोस्तों, इस तरीके से क्या हुआ, हमारी संविधान सभा पूरी बनी। और साथ ही संविधान को बनाने के लिए हमारे जो सदस्य थे, इन्होंने क्या करा, अलग अलग समितियां बनाई। और इन्हीं समितियों का अध्ययन आज हम लोग करने वाले हैं और इन्हीं समितियों को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, भारतीय संविधान की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष के नाम। और इनके नामों को हम ट्रिक से याद करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से याद करेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को देखना है, सुनना है। इस वीडियो को देखने और सुनने मात्र से ही आपको क्या होगा, पूरी जितने भी मैं प्रमुख समितियां याद करवाऊंगा वो हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। ज़्यादा आपको एफर्ट, ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वीडियो को देखिए, अच्छे से आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, इसमें जो ट्रिक रहेगी, जैसा कि आपने मेरे संविधान के भाग वाली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्त, उसी पर बेस्ड रहेगी, जैसे मैंने उसमें आपको कविता से याद करवाया था तो वो आपको आसानी से कितने पूरे भाग याद हो गए थे, इसी तरह मैं आपको ये भी कविता के माध्यम से याद करूँगा, आपको आसानी से पूरे याद हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, सिर्फ सुनना है और मैं जो बोलूंगा उस हिसाब से आपको करना है कि एक दो बार इसको बोलना है, ठीक है। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें आप लोग। तो चलिए देखते हैं हमारी कविता क्या है। तो दोस्त, 4 लाइन की कविता है, मैं पहले बोलूंगा फिर आप भी मेरे साथ 2-3 बार बोलना, ठीक है। तो चलिए, तो कविता क्या है हमारी, तो चलिए साथ में बोलते हैं। तो कविता ऐसी है, संघ संभाला नेहरू ने अम्बेडकर प्रारूपा, संघ संभाला नेहरू ने अम्बेडकर प्रारूपा, कार्य संभाला मुंशी ने झंडे पर की कृपा, कार्य संभाला मुंशी ने झंडे पर की कृपा, भारत प्रक्रिया संभाली राजा ने, भारत प्रक्रिया संभाली राजा ने, प्रांत मूल अधिकार पटेला, प्रांत मूल अधिकार पटेला। तो ये 4 लाइन की कविता है, इस कविता को बस आप कुछ नहीं करिए, बस सुन लीजिए, सुन लीजिए 2-3 बार सुन लीजिए, आपको माइंड में ही सेट हो जाएगा और रट जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपने ये समझ लिया होगा और आपको ये समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम इस जो कविता है, इस कविता के अंदर हमारी समितियां और इनके अध्यक्ष को खोजते हैं। तो चलिए हम लोग, मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूँ। तो दोस्त, सबसे पहले जैसे कि हमने बात करी थी कि संघ संभाला नेहरू ने, तो संघ संभाला नेहरू ने, तो संघ समिति, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, ये इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो कौन रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फिर हमने क्या बोला था, अगली लाइन, अम्बेडकर प्रारूपा, यानी कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो भीमराव अम्बेडकर है। और इसके बाद जो बात कर रहे हैं, कार्य संभाला मुंशी ने, यानी कि कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, जो कि अध्यक्ष थे संचालन समिति के, कार्य संचालन समिति के, ठीक है, क्लियर। फिर झंडे पर की कृपा, तो झंडा समिति के कौन थे अध्यक्ष, वो थे कृपा से हुआ कृपलानी, तो जे भी कृपलानी थे झंडा समिति के अध्यक्ष, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं,
वार्ता प्रक्रिया संभाल ली राजा ने, यानी कि वार्ता समिति और प्रक्रिया समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रांत मूलाधिकार पटेला। तो दोस्त, जो प्रांतीय समिति थी और मूलाधिकार और अल्पसंख्यक समिति, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्लियर? तो दोस्तों, आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, डिफिकल्टी नहीं होगी आपको। और एक चीज इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं, भारत का जो संविधान है उसको बनाने में जो कुल व्यय हुआ है वो हुआ है 63,96,729, ये भी आप याद रखना। और साथ ही मैं आपको बता दूं क्या हुआ था। देखिए, हमारा जो संविधान था ना, वो संविधान हमारा कब बन गया था पूरा तैयार, मतलब हो गया था 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था, मतलब बन के तैयार हो गया था। और 26 नवंबर 1949 को ही क्या हुआ था, 15 भारतीय संविधान के 15 अनुच्छेद क्या हो गए थे, लागू कर दिए गए थे, मतलब कि उनको अपना लिया था। और फिर क्या हुआ था, फिर जितने भी अनुच्छेद है इन सबको 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। और जो 26 जनवरी जब हमारा संविधान लागू कर दिया गया था, उसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर बनाते हैं। तो इस तरह से ये हुआ था। और आगे भी बहुत सारे मैं संविधान की वीडियो लाने वाला हूँ, तो आपको खूब मजा आएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। आगे भी अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ मैं संविधान की। और साथ ही अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी। और अगले वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में इस बेल के आइकन को जरूर क्लिक करिएगा, ताकि जब मैं अगली वीडियो डालूं तो उसका बेनिफिट आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। टिल देन, टेक केयर।